एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा क्या बना है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आलू को बॉयल करके रख लिए हैं। अब इसको हाथ से मैश कर ले रहे हैं। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी मैश कर सकते हैं। आलू को इस तरीके से तोड़ ले रहे हैं। तो देखिए, दोनों आलू दिख रहा है, एक तोड़ लिए हैं, एक मैश कर लिए हैं। एक चम्मच धनिया, हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। तो इसमें स्टफिंग के लिए जो मैश किए आलू इसमें डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो मसाला भून के भी डाल सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट डाल दीजिए। तो देखिए, आलू मैश करके रख लिए, मसाला भी इसमें मिक्स हो गया है। अब तेल गर्म हो गया है, इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। और वही सारा मसाला इसमें भी डलेगा, इसमें टमाटर रहेगा। ये सब्जी बनाने जा रहे हैं, आप चाहे तो वो सारा मसाला भून के उसी में आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों एक जैसा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें सब्जी वाला मसाला ही भून रहे हैं। तो देखिए, मसाला भून गया है, इसमें हरी मिर्च भी डाल दिए हैं, तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें हम जो आलू तोड़ के रखे हैं उसको डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह छोले बना सकते हैं। तो अब देखिए, सब्जी बन के तैयार हो गई है। अब बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, एक पिंच, एकदम बहुत हल्का सा। और बाकी वही मसाला रहेगा, धनिया, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसमें एक कप बेसन ले लिए हैं, इसको पहले मसाला अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। इसके बाद पानी डाल के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो पतला हो जाएगा। तो देखिए, अभी गाढ़ा दिख रहा है, इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। तो देखिए, इस तरीके का बैटर चाहिए। तो देखिए, ब्रेड ले लिए हैं। अब इसमें हम ये सारा स्टफिंग भरेंगे एक एक करके। तो देखिए, तैयार हो गया है। अब इसको एक ब्रेड से ढक देंगे। तो आप चाहे तो बीच से काटिए या तो तिकोना तिकोना काटिए। तो देखिए, इसको हम बीच से काट दे रहे हैं। और इसको हम तिकोना काट दिए हैं। तो आप अपने मनपसंद से कोई भी आकार में काट सकते हैं। देखिए, सब्जी भी बन गई है। और इधर दूसरी तरफ कढ़ाई में हम तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके हम डालेंगे बेसन में लपेट के। तो देखिए, बेसन में हम डिप कर लिए, अब इसमें डाल दे रहे हैं कढ़ाई में। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, मीडियम टू हाई रहेगा। थोड़ा टाइट हो जाए तभी पलटना है। तो देखिए, ये फ्राई हो गया, इसको निकाल ले रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा बैच भी डालेंगे। तो देखिए, इसको भी हम डाल दे रहे हैं।
तो इसको भी ऐसे ही अलटते पलटते निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा सारा पकौड़ा तैयार हो गया है। चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो पहले सब्जी निकाल ले रहे हैं। पकौड़े के साथ हम मिर्ची भी फ्राई कर लिए थे। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। अब काला नमक भी डाल देंगे ऊपर से। देखिए सब्जी में भी डाल दिए हैं थोड़ा सा चाट मसाला ताकि चटपटा हो जाए। मिर्ची को हम लास्ट में फ्राई कर लिए थे। चलिए इसको कट करके दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारा खाने के लिए तैयार है। इसी तरह आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।